सोशल मीडिया का खतरनाक सच। सलोनी ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35 से 40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राज शर्मा था। सुंदर, स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था अपनी डीपी में। सलोनी ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोल कर देखी तो वहाँ पर उसने एक बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। हे पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन टिंग के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो वो राज का मैसेज था। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें राज ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उससे मजे लेने के लिए उसने रिप्लाई करा, थैंक्स किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राज के मैसेज नजर आए। राज ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही राज का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछ रहा था। उसने राज को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद राज ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। सलोनी को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जिस दिन उसकी रात से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। राज उसकी जिंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर सलोनी राज से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राज ने सलोनी से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे। यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। प्लीज कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। सलोनी खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था वो। सलोनी ने यही बात राज से कह दी। अरे यार, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राज ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ। सलोनी ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना। राज ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा और फिर वो सलोनी को उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क जहाँ पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत के कारण, राज ने सलोनी को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहाँ पहुँच गई। राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटो से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। सलोनी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा करा। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुरा कर बोली, हाँ अब बोलो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे यार, क्या सारी बात यही सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी, आओ कार में बैठ कर बात करते हैं। और फिर राज ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। सलोनी के बढ़ते कदम फिठक गए। वो पलट कर राज से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ कर अंदर खींच लिया और बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई।
और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को राज ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। और पीछे बैठा आदमी जिसने सलोनी का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए राज से बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया। आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है। शबन बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर उर्फ राज मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये सलोनी की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती है और अपनी जिंदगी गवा लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।